रहे हो वो दया आप नहीं कर रहे तब तुसी तुम सुन रहे आज इन्हू दया दी हट जाए तो थोड़ी तुम सुननी बंद हो जाए। मैं तो वेला बैठी खाना पिया वा यानी उसकी याद दे विच बैठा तुम सुनी जा रहा और वो मेरी पालना करी जा रहा और मेरे ते दया बरसा रहा। देखो मुर्शिद अगर ना मिले तो नहीं जा सकती और अगर मुर्शिद की छाप के बिना तुम कहते हो जाग गई है तो तब भी वो कंप्लीट नहीं क्योंकि उत्ते ट्रेडमार्क नहीं लगा स्टैंप नहीं लगी। इस करके गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है लेकिन केड़ा गुरु जेड़ा अंदर दा पेती है शब्द पेती है और फिर बैठ के तुसी बंदगी करो चाहे कोने च बैठो जिथे थोड़ा दिल करता बैठो लेकिन एक होंगे अगर एक जगह के उत्ते तुसी अपना आसन जमा लो ना भी इस जगह पर ही मैं भजन करना है बंदगी करनी है उस जगह दिया वाइब्रेशन एक स्पेशल हो जाती है उस जगह जिथे तुसी रोज बैठ के भजन करो। वैसे तो ये कोई बंदिश नहीं जिथे मर्जी करो लेकिन जे अपने घर बैठे हो तो क्यों ना तुसी अपनी एक जगह बनाओ जिथे कि तुसी अपना भजन करना है बंदगी करना उदे विच जो विशेष आनंद है। हुण मैं जो महाराज के कमरे च मैनू आनंद है मैनू उत्ते नहीं आता क्यों नहीं आता क्योंकि इत्थे वाइब्रेशन्स होर ने उस कमरे च वाइब्रेशन्स होर ने। इस करके कहिंदे सुमरन मेरा हरी करे मालक सच्चा खुद तुन वजा रहा है और मेरी आत्मा सुन रही है चुप करके और मेरी पालना वो कर रही। देखो हर एक संत चाहे वह किस भी जात का है अगर वह अंदर का पुरुष उसनू गुरु मिलिया है वह हर एक बाणी इको ही अनुभव दस रही है। इस करके हर जगह चाहे तुम मुसलमान को चले जाओ सिख को चले जाओ ईसाई को चले जाओ हिंदू को चले जाओ अगर वो उसनू कामल मुर्शिद मिले है तो वह सत्संग एक होएगा वो अपने विचारों प्रगट करने के ढंग अलग अलग हो। जीव हूँ ते प्यारे अधिक लागे मोहीराम बिना हरि नाम नहीं और किसी से न काम। फिर वो जीव हूँ ते प्यारे अधिक लागे मोहीराम बिना हरि नाम नहीं और किसी से न काम। संत मलोक दास जी कहते ने अगर जीव परमार्थ च लगा है अपने मालिक सच्चे नू तुनात्मक नाम नू राम कह रहे ने उसनू सुनदा पिया है तो उसनू होर कोई प्यारा नहीं लगता स्वाय अपने इष्ट दे। मेरा इष्ट ही सब कुछ है क्योंकि सानू होर किसी का कोई काम ही नहीं सानू अपने इष्ट नाल प्रेम है उही साडे वास्ते सब कुछ है। वो कहते ने पाना चाहे कहने ने प्रेम रस राखा चाहे मान एक म्यान में दो खड़क देखी ना सुनी कान। भी अगर आदमी कवे भी मैं परमार्थ भी कमा लवा और बार मेरी इज्जत भी बनी रहे दो चीजा कठिया ना सुनिया ने और ना कदी होंगी जीव नू ओ शीश भला पावन पवित्र है मेरी जिंदड़ी जेड़ा सतगुरु पैरी पवे मेरे राम। जेड़ा सिर सतगुरु के चरणों के विच चुक गया है वो पवित्र है पावन है भला है मेरी जिंदड़ी मेरी आत्मा जेड़ा सतगुरु के चरणों के विच गिर गया है मेरे राम। राम केड़ा राम एक राम दशरथ का बेटा एक राम घटघट में लेटा एक तो मनी राम है जिहड़ा मन सानू दौड़ाई फिरदा पिंड देश दे विच इंद्रियां दे काटते एक राम दशरथ जी का बेटा सी एक राम का सगल पसारा निरंजन देश सारा जी संसार की रचना तुसी देख रहे हो सारी ब्रह्म देश दे विच निरंजन दी है सहस्तल कमल
एक राम सबू से न्यारा। ओ राम जरा ज्योति इस रूप राम बैठा है तुंदी शक्ल दे विच, ए सब नालो न्यारा है। ए उस राम दा जिक्र कर रहे ने कि उस राम नू जपन दे वास्ते ना होंठ फड़कन दी फड़कान दी जरूरत है, ना जीभ हिलान दी जरूरत है। और अगर उस नू तू याद करना पे है तो उस ते स्वा तू किसे होर जीव नू प्यार नहीं करना, स्वाय अपने इष्ट ने सतगुरु जिसने कि तुहानू उस तुंदे नाल जोड़िया है। क्योंकि जितना अभी अपने इष्ट नाल जुड़ांगे उतनी ही तुम साडे अंदर होर प्रकट होएगी। बिना पाप तो भक्ति नहीं होंदी। पहले गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति के मोह जा कभी ना काटा जाए। भी अगर तू चाहता है कि तेनों अंदरों उस मालिक के स्पष्ट साकार दर्शन हो जाए और तेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे नाल जुड़ी रहे तो तू गुरु भक्ति नु दृढ़ कर पाना। क्योंकि गुरु भक्ति अगर दृढ़ होएगी तद तेरे संसार के सारे मोह टुटनगे, नहीं तो नहीं टुटे। और गुरु भक्ति दृढ़ दे विच ए रस्ता इस तरह कठिन है जिवें तेज तलवार दे उत्ते चलना। कठिनाइयां आंदियां संसार दे विच, मुश्किलातां आंदियां जगह जगह काल रुकावट पाउंदा बंदगी करन दे वास्ते। यही इस नूं कहिंदे ने भी शीश देना। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। अगर सिर देंदिया भी तेनों सतगुरु मिलता है ना तो तू समझ बड़े सस्ते ही तेनों मिल गया। वो मालिक सच्चे नूं पाना कोई आसान काम है। वो आप शक्ति जिहड़ी करता पुरख है उसके विच समाना कोई आसान काम नहीं है। उसके वास्ते जिंदे जी मरना पैंदा है। जिंदे जी मरना किस तरह पैंदा है? जिहड़े हालात विच असीं गुजरते हाँ उस दे विच जिहड़ी असीं काल करदे हाँ और उस मालिक नूं याद करदे हाँ उसनूं कहिंदे जिंदे जी मरना। भी मन किधर है, दे किधर जा रही, विचार किधर ने, हालात की ने, इसनूं कहिंदे ने शीश देना। भी अपना वो रस्ता नहीं छड़ना, अपने मालिक सच्चे का दरवाजा नहीं छड़ना, सतगुरु का नहीं छड़ना। क्यों? क्योंकि असी कोई बात का तन तो मंग नहीं रहे, वो चीज़ मंगते पे हैं मुक्ति जन्म मरण तो रहित होने वास्ते। तो उसके वास्ते कुर्बानी 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 देनी पड़ती, हर हाल ही देनी। जितनी उच्ची समचीज मिलनी है उतनी ही सख्त कुर्बानी मिलनी। ये चीज ऐसा नहीं है, असी तो नाम लैने बैठ जाने कर दुनियादार दे काम करते हैं, ये कर वो कर और करने पैंदे ने क्योंकि संसार च रहना है। लेकिन कई जीवन के उत्ते जे खासुल खास दया करनी है तो खासुल खास औकड़ा ने उन्होंने सब। हूँ गुरु नानक साहब जी दे एक आदमी उन्होंने पसंद आया, गुरु अंगद। इस तरह ही जिन्हिया गदियां सब एक ही आदमी चुनिया गया। तेरा जन कोई एक का दौर सगले व्यवहारी, भी इतने सेवक होंदे ने लेकिन कहंदे ने सतगुरु कि तेरा जन कोई एक वो भी पूरा कंप्लीट नहीं होंदा, लेकिन उसके उत्ते दया करके उसनु अपना उत्तराधिकारी बना जांदे ने कि तू मेरा काम करी। क्योंकि जब दे अपनी काल के हवाले कर देंगे ने वो काम नहीं कर सकते, उन्होंने हुक्म नहीं। उन्हां दी पावर फिर जिहड़ी बॉडी लेके बैठा हुंदा पुरश वो करता है। और उसके बचना उत्ते अगर वो जीव नहीं चलनगे तो संत सतपुरशां दा यह हुक्म है कि वह बंदगी वाली जगह दे विच कमी आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि उत्थे माया व्याप जाएगी, नाम की कमी आ जाएगी। ये सारिया चीज़ा तुसीं सत्संग विच सुनते हो और इसनूं विचारो। देखो हर एक आदमी अपने आप दे बारे अच्छी तरह खुद सोच समझ सकता है कि मेरी रहनी बहनी की है और मैं कैड़ी लाइन के उत्ते पे आया। अपनी रहनी बहनी नू ठीक करना ही अपने आप नू यह समझना चाहिए कि मेरे ते दया आ रही है। सतपुरुष जीवन कई किस्म नाल तार दे, तन मन तन नाल सेवा लेंदे और जिस जीव दे उत्ते कृपा आ जाए उसनू सेवा लेंगे, हुक्म देंगे, वचन पालन करांगे, अपनी भक्ति देंगे, उसमें अपने नजदीक खिंचेंगे किसी तरीके से। कहे मलोक हम जब हीते लेनी हर की
आते हैं सुख नी।